बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टी हेल्थ केयर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। आप मेरे चैनल पर जान सकें कि अपने सेहत के मसाइल और उनके आसान हल। शुक्रिया। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है होम्योपैथिक मदर टिंचर सीरीज और आज की दवाई है ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस। इससे पहले कि इसके ख्वाहिश में बयान करूं, मैं आपके साथ ये नॉलेज शेयर करना चाहूँगा कि ये ट्रिबुलस लोकल जड़ी बूटी है, यानी इंडिया पाकिस्तान में पाई जाने वाली एक जड़ी बूटी है, हर्ब है। तिब यूनानी में या आयुर्वेदिक में इसे गुखरू खुरद भी कहते हैं और बकड़ो भी कहते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक का एक अलग सा नाम गुक्षरा शायद इस तरह का नाम है, वो भी इस नाम से बहुत से पैटर्न दवाइयां भी आती हैं खुसूसन इंडिया में गुक्षरा के नाम से। थोड़ा सा तलफ़ मुझे इसका प्रोनंसिएशन नहीं आ रहा, तो बहरहाल ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लोकल पाकिस्तानी और इंडियन जड़ी बूटी है और तिब यूनानी में इसे पेशाब की तकालीफ के लिए और जिनसी कमज़ोरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक इसी तरह होम्योपैथी में इसके मदर टिंचर को भी इन्हीं तकालीफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी पेशाब की तकालीफ और जिनसी कमज़ोरी के लिए। यह दवाई यूरिनरी सिस्टम पर बहुत अच्छा असर रखती है। इससे पहले एक वीडियो होम्योपैथिक मेडिसन परीरा ब्रेवा पे मैं बना चुका हूँ, तो वो दवाई भी यूरिनरी सिस्टम पर बहुत अच्छा असर रखती है, खुसूसन प्रोस्टेट ग्लैंड के हिसाब से। अब क्योंकि ये दवाई भी प्रोस्टेट के हिसाब से बहुत अच्छी दवाई है, तो अगर आप प्रोस्टेट ग्लैंड की मालूमात चाहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, तो मैं मशवरा दूंगा कि पहले परीरा ब्रेवा वाली वीडियो आप देख लें, इसका लिंक मैं यहीं पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक इसी वक्त यहाँ पे एक स्लाइड आएगी, आप इसको क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लें जो प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं और डिटेल के साथ, तो पहले वो वीडियो देख लें। तो प्रोस्टेट ग्लैंड की जो भी तकालीफ हैं, यानी पेशाब की बंदिश, पेशाब में रुकावट हो जाती है, पेशाब तकलीफ से आता है, रुक रुक के आता है, पेशाब में जलन हो जाती है, मुसलसल हाजत बनी रहती है, तो ये सारी तकालीफ और डिटेल के साथ आप जानना चाहते हैं तो वो वीडियो देख लें, यहाँ पे लिंक आ जाएगा या जहाँ पे वीडियो के एंड में सजेशन के तौर पर एक वीडियो आ जाएगी, आप उसको देख लें पहले मज़ीद जाने इसके बारे में। गुर्दे की पथरी के लिए बहुत अच्छी दवाई है और दर्द के लिए, गुर्दे के दर्द के लिए दवाई बहुत अच्छी है और गुर्दे के लिए टॉनिक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है इसे, और इसे हम करवाते हैं, और डायलिसिस के पेशेंट के लिए भी इस दवाई को इस्तेमाल करते हैं। होम्योपैथिक में बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो डायलिसिस के पेशेंट के लिए मुफीद हैं, लेकिन मैं मशवरा ये दूँगा कि अपनी तरफ से आप स्पेशली डायलिसिस के पेशेंट को मशवरा ये है कि अपने तरफ से कोई दवाई ना लें, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है और पेशेंट भी ज़िम्मेदारी करता है और हम भी ज़िम्मेदारी करते हैं, मतलब एक ज़िम्मेदारी करनी पड़ती है कि कुछ ऐसी सजेशन होती है जो पेशेंट को बताई जाती है कि ये करना है ये नहीं करना है, तरह तरीके से एक प्रोसेस होता है। तो मशवरा ये है कि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होम्योपैथी की तरफ चाह रहा हूँ कि लोग इस तरफ भी आए, तो ये आपको मैं इंफॉर्मेशन के लिए कह रहा हूँ कि होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जो कि डायलिसिस की कंडीशन में बहुत अच्छी रहती हैं, और अगर अल्लाह ने चाहा तो डायलिसिस से पेशेंट हट भी जाता है, लेकिन शर्त ये है कि वो किसी मुस्तनद होम्योपैथ के साथ रब्ता करे और उसकी निगरानी में ये दवाई इस्तेमाल करे, अपनी तरफ से कोई भी इसे इस्तेमाल न करे, ख़ास तौर पर डायलिसिस का मरीज। कसरत जमा या बुढ़ापे की वजह से मुकम्मल नामर्दी हो जाती है, तो इसके लिए बहुत अच्छी दवाई, जैसे कि मैंने बयान किया कि तिब यूनानी में भी इसे जिनसी कमज़ोरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही अच्छी दवाई, बहुत से नुस्खों में ये शामिल की जाती है, गुखरू खुरद के नाम से आपने बहुत से नुस्खे मिलेंगे तिब यूनानी में। सूरत अंजाल यानी प्री मेच्योर एजुकेशन, वक्त से पहले खारिज हो जाना, मनी का पतलापन, जरियाने मनी, स्पर्म काउंट, बेऔलादी के जरासीम वगैरह वगैरह, और उनकी मोर्टलिटी और जो भी इनमें डिसऑर्डर होता है, तो इसके लिए बहुत अच्छी दवाई है ये।
बॉडी बिल्डर हजरात के लिए इंतहाई मुफीद है। जी हाँ, ये एक ऐसी दवाई है कि ये बॉडी बिल्डिंग के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। एक ये दवाई है, एक सेबल फेरोलेटा है, कि इसकी भी वीडियो बनाऊंगा आगे। जैसे कि मैं अल्फाबेटिकल आर्डर में बना रहा हूँ, तो बॉडी बिल्डर हजरात के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। ये कुदरती तौर पर टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती है। टेस्टोस्टेरोन एक मर्दाना हार्मोन है जो मर्दों में पाए जाते हैं ज़्यादा मकदार में, और ये मर्दांगी के ही हार्मोन कहलाते हैं। इन्हीं की वजह से मर्दों को दाढ़ी वगैरह आ जाती है और मसल बनते हैं। तो बहरहाल, ये जो बॉडी बिल्डर हजरात है इसको इसके बारे में जानते होंगे, तो ये कुदरती तौर पे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती है। ये एक कुदरती स्ट्राइड है। जिस तरह बॉडी बिल्डर हजरात स्ट्राइड ले रहे होते हैं इंजेक्शन फॉर्म में, तो ये एक कुदरती स्ट्राइड है। यानी ये स्ट्राइड का नॉर्मल बदल है। आप इसको कुदरती तौर पर ले सकते हैं, और जो मसनू स्ट्राइड होते हैं उनके नुकसान से आप बच सकते हैं। तो ये है इसका कवायद थे। आप जानते हैं इसकी तरकीब इस्तेमाल। पेशाब की तकालीफ के लिए 10 कतरे आधा कप पानी में मिलाकर दिन में 4 बार खाना खाने के बाद लें, 10-15 मिनट बाद लें खाना खाने के बाद। और बॉडी बिल्डिंग के लिए 20 कतरे आधा कप पानी में मिलाकर दिन में 4 बार खाना खाने के बाद ले सकते हैं इसे। तो ये इसके डोजेज हो गया, और इसकी ये पिक्चर है टेरिबिलिस टेरेट्रिस की। में ये दवाई इस तरह की होगी, मतलब इस तरह की पैकिंग होगी। ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी की इस तरह की पैकिंग हो। ये जो होम्योपैथी की तरफ नए हैं लोग, उनके लिए मैं ये पिक्चर शेयर किए देता हूँ, ताकि उनको पता चले कि ये किस फॉर्म में होती है। तो इस तरह की होगी, और लिक्विड फॉर्म में होगी, और ड्राप की सूरत में हम इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।